हरियाणा कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वहीं पर सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह और एसकेआर के समर्थकों के बीच जिला संगठन को लेकर ऑब्जर्वर की बैठकों में मारपीट और खींचतान चल रही है। इसी बीच पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने समर्थकों के बीच रोहतक में शक्ति प्रदर्शन किया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के एक साल पूरा होने के अवसर पर अपने समर्थकों के साथ पैदल यात्रा निकाली। इस यात्रा से भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने विरोधियों को संदेश देना चाहते हैं, कांग्रेस में उनसे बड़ा नेता नहीं। पान के लिए हुई है, हमको इसकी आवाज होना चाहिए, एक ही जगह उद्देश्य ग्रहण करना चाहिए। आज जो यात्रा चली है, आज से एक वर्ष पहले राहुल गांधी कन्याकुमारी से यात्रा शुरू की, एक साल हो गया भारत जोड़ो के नाम से, और बहुत सारे जो है लोग जुड़े, और एक संदेश क्या है कि भारत एक है, सबको जुड़ के रहना चाहिए, भाईचारे एक रहना चाहिए। उसके बाद हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम चलाया, तो बहुत कामयाब प्रोग्राम था। ऐसे जो है आज एक वर्ष हुआ है उसकी, पूरे देश में सारे जिला उपायुक्त में लंबी यात्रा निकाली गई है।